नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वास्थ्य एवं सकारात्मकताओं के साथ परिवार के साथ भरपूर होंगे और अपना दैनिक दिनचर्या का काम, डेली रूटीन बहुत उत्साह के साथ और खुशियों के साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम खुशियों के साथ काम करते हैं तो खुशियां हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और अभी के टाइम में यह बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को खुशी के साथ और उत्साह के साथ कंप्लीट करें। मेरा आज का यह वीडियो बनाने का यह मकसद है कि जो कि मैंने इन पिछले 6-7 महीनों में महसूस किया है, वह मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। और अगर आपको यह चीज़ें अच्छी लगें तो कृपया आप भी उन्हें शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैंने 23 मार्च के बाद महसूस की, वह थी हम सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा डर। हम सभी बहुत डर गए थे एक कोरोना वायरस से, और यह डर इतना अधिक आ चुका था कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, अपने घर में हैंडल्स को हाथ लगाने में भी डर लगता था। हम किसी नेबर और रिलेटिव को भी टच नहीं करना चाहते थे, उनके घर नहीं जाना चाहते थे, उनसे मिलना नहीं चाहते थे। हमारे मन में, हमारे जहन में एक डर पैदा हो गया था, या यह कहा जाए कि इसके पहले हम लोग निर्भीक थे, निडर थे, तो यह ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कोरोना वायरस के आने के बाद हम सबकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा डर आ गया। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें हमें तोहफे में दी। हो सकता है वह कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी हो। उनमें से एक चीज़ है डर, यानी हमें हमेशा थोड़ा डरते रहना चाहिए। हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, अपने साथ एक डर लेके जीना चाहिए। तो यह डर आ गया। इसके बाद जो मैंने देखा कि लॉकडाउन लगने के बाद हम सभी अपने घरों में, पिंजरे में, केज में, कैदियों की तरह बंद हो गए। सिर्फ हमारा परिवार और हम अपने घर की दहलीज से बाहर भी नहीं निकलते थे डर के कारण। तो हमारे पारिवारिक संबंध थोड़े और मजबूत हो गए और परिवार में एकता, अखंडता का विकास हुआ और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आई। इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि पहले की जिंदगी में हम लोग दौड़ते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे, घूमते थे, अपना सारा रूटीन प्रॉपरली फुलफिल करते थे, परंतु कहीं ना कहीं हम परिवार को उतना समय नहीं दे पा रहे थे। तो प्रकृति ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें परिवार के साथ समय बिताने का बहुत बड़ा अवसर दिया और हमारे पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ताएं दी। हम सब एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे की भावनाएं समझी, एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की सेहत के लिए हम ज़्यादा सजग हो गए। इसके बाद इस कोरोना नाम की बीमारी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए। पहले भी हम लोग खाते पीते थे, काम करते थे, परंतु हम यह नहीं सोचते थे कि हम हमेशा हेल्दी फूड लें या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब हमें इस चीज़ ने यह सिखा दिया है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें गोल्डन मिल्क पीना है, हमें फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, सारे इसेंशियल बैलेंस डाइट हमारी बॉडी में जानी चाहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम स्वास्थ्य के लिए जागरूक हुए और हम सब में एकता का विकास हुआ। हम अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार, अपने भाई बहनों सबका खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान रखने लग गए, हम यूनाइटेड हो गए। इसके बाद एक चीज़ हमने और देखी कि लॉकडाउन के टाइम हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध और घर की डेली नीड्स की भी बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किलों से मिल रही थी, बहुत टफ हो गया था। तो हमें इस टाइम ने चीज़ों की कदर करना सिखाई, हमें पैसे का मोल का एहसास थोड़ा अधिक हुआ और हमें हर चीज़ की वैल्यू हुई, जिससे कि आज हमको यह चीज़ों की जब अवेलेबिलिटीज हो रही हैं तो उनका सदुपयोग करना आ रहा है। इस कोरोना टाइम ने हमें कहीं ना कहीं ईश्वर को ज़्यादा याद करवाया, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हमें बहुत चीज़ें बहुत मुश्किलों से मिल रही हैं, हमारी कमाइयाँ भी पहले की तरह फ्लो में नहीं हैं, तो हम भगवान जी को हर पल ज़्यादा याद कर रहे हैं। और इसका अपोजिट ये है कि पहले वाली लाइफ में भी हम भगवान जी को याद तो करते थे, तो या तो हम कम करते थे या फिर हमारे करने में उतनी इंटेंसिटीज, उतनी फ्रीक्वेंसीज हाई नहीं रहती थी जो कि अब है। कोरोना ने हमें यह भी सिखाया कि हमें ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा गहन अंतरात्मा से उसको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। कोरोना टाइम आने के बाद हमने हमारे घर से भाइयों को निकाल दिया और हमने बहुत सारे अपने काम खुद करना चालू कर दिए। बच्चों की ट्यूशन क्लासेस ऑफ हो गई, स्कूल्स बंद हो गए और हम सब मिलजुल के हमारे डे टू डे टास्क करने लग गए और बहुत सारी बच्चों को स्टडीज भी मम्मियाँ कराने लग गई, भाई बहन अपने घर का काम करने लगे, फुल फैमिली यूनाइट हो गई। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन गए और इस 24 घंटे में हम पहले से 4 गुना ज़्यादा काम करने लग गए, जिससे कि हमको आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमारी क्षमताओं का भी एहसास हुआ कि हमें कितनी कैपेसिटीज़ हैं और हम कितना कुछ घर में कर सकते हैं। कई फैमिलीज ने तो ब्रेड और सेव तक घर में बना ली और सब लोग शेफ बन गए। तो यह भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। साथ साथ हमने यह भी देखा
कि कोरोना टाइम में हम पूरा दिन घर में रहते थे, घर का काम करते थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, गेम्स खेलते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, उसके बाद भी जो टाइम मिलता था हम अपना आत्मनिरीक्षण करने लग गए, हम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट इंट्रोस्पेक्ट करने लग गए। यह टाइम शायद हमने कभी अपने आप को दिया ही नहीं। यह भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, तो हमें हमेशा अपने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी कि हमसे जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों के पास खाना भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, छत भी नहीं है, उन लोगों के बारे में भी हमें सोचने का समय मिला और हमारे मन में दया, करुणा, सहानुभूति का विकास हुआ। तो यह कोरोना टाइम जो आया या अभी भी चल ही रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सबको हमारी मूलभूत इंसानियत को जिंदा करने के लिए यह इतना कठिन समय दिया। जैसे कि एक एग्जामिनर स्टूडेंट की एग्जाम लेता है और वो सोचता है कि यह स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है तो ही उसको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर दिया जाए, इसकी कैपेसिटीज बाहर निकाली जाए। तो मुझे इस टाइम ने यह महसूस करवाया कि आज हम सब लोग अभी जिंदा हैं, हमें फ्री में इतनी हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग कर रहे हैं, हमारी बॉडी का एवरी ऑर्गन इतना प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हम सबको थोड़ा सा बुरी चीजों से, बुरे कर्मों से डरना चाहिए, हमें हमेशा परिवार के साथ यूनाइट होके हेल्पिंग, कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, हमें हमारे सारे रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, हमें हर रिलेशनशिप में अच्छी वाटरिंग और अच्छी गार्डनिंग करनी चाहिए जिससे वो हमारे रिश्ते मजबूत रहें, और हमें हमेशा हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे मटेरियल हो, और हमें ऑलवेज गॉड को थैंक यू बोलते रहना चाहिए, उसका स्मरण करते रहना चाहिए, और हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, साथ साथ हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और हमें हमेशा सबके लिए काइंडनेस और सिंपथी रखनी चाहिए, और हमें हमारी कैपेसिटीज को जितना हो सके एक्सप्लोर करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी कि यह जरूरी नहीं है कि ईश्वर का स्मरण करना मीन्स सुबह शाम अगरबत्ती लगाना, मंदिर जाना, ये भी कर रहे हैं तो अपने आप में एक अच्छी बात है, बट हमारे पास जितना भी अभी लाइफ साइकिल लेफ्ट ओवर है और जितने भी दिन और जितने भी घंटे हैं, हमें हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में गॉड को बार बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से महसूस करके बोलना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में उठते से ही हमें बोलना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड मुझे आज एक नई सुबह, तरोताजा सुबह देने के लिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी हेल्दी एंड हैप्पी बॉडी विथ माई प्लीजिंग माइंड, थैंक यू गॉड फॉर सर्विंग दिस टी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फ्रेश फूड, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दीज कॉस्ट्यूम्स और दीज कपड़े दिए हमें, थैंक यू गॉड फॉर माई ऑल रिलेशनशिप, फॉर माई फैमिली मेंबर्स, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एजुकेशन, थैंक यू गॉड फॉर माई राइट थिंकिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग, आई एम सो ब्लेस्ड। और अब मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि इस एक चीज को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, बच्चों को सिखाइए, और अपनी फैमिली के हर मेंबर अगर इतनी बार गॉड को थैंक यू बोलेगा 24 घंटों में 20 टाइम्स भी, तो डेफिनेटली गॉड अब हमको सेकेंड टाइम इस तरह की किसी भी पैंडेमिक स्टेज से या इस तरह की किसी भी कैलेमिटी या क्रूशियल स्टेज से एग्जाम नहीं लेगा, और हम लोग गॉड के फेवराइट बन जाएंगे। और अब मैं आप सभी मेरे व्यूअर्स को अपने तहे दिल से, अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माई व्यूअर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस, डू शेयर एंड कमेंट एंड लाइक, थैंक यू।